गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज मैं आपको फोन पे एप्लीकेशन से फोन पे एप्लीकेशन से रिडीम कोड कैसे जनरेट करें उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको रिडीम कोड क्या है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूं। जैसे कि फ्रेंड्स, आपका फ़ोन एंड्रॉयड का है तो आपके फ़ोन में प्ले स्टोर रहेगा। प्ले स्टोर, जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये प्ले स्टोर। अगर आपका फ़ोन एप्पल का है तो वहाँ पे ऐप स्टोर रहेगा। यानी प्ले स्टोर से काफ़ी सारी चीज़ें यानी कि गेम से, ऐप से, बुक से, मूवी से यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसका जो सब्सक्रिप्शन है यानी जो पेमेंट है, वो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन। पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन में काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे कि पेमेंट मेथड्स है, पेमेंट मेथड्स में आप जाएंगे तो फ्रेंड्स आप यहां से देखिए फ्रेंड्स, ये क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, पेमेंट पेटीएम वॉलेट है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है एंड रिडीम कोड। यानी फ्रेंड्स, ये पेमेंट मेथड होगी। रिडीम कोड यानी पेमेंट मेथड। जैसे कि यहां पे आपके पास ये वाली जो पेमेंट मेथड अगर अवेलेबल नहीं है, यानी यूपीआई है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अगर अवेलेबल नहीं है, नेट बैंकिंग नहीं है, तो आप रिडीम कोड के जरिए भी यहां पे पेमेंट कर सकते हैं। यानी कई जगह पे क्या रहेगा, गेम्स है कि बुक्स में पेमेंट ऑप्शन सिंपल रहेगा रिडीम कोड। तो रिडीम कोड आपको पहले जनरेट करना पड़ेगा और रिडीम कोड से आप वो वहाँ पे पेमेंट कर सकेंगे। जैसे कि मैंने ये रिडीम कोड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, वो रिडीम कोड जो आपने जनरेट किया रहेगा यहाँ पे वो पेस्ट करेंगे। और जैसे ही पेस्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नीचे रिडीम का बटन है, रिडीम के बटन के ऊपर वो क्लिक करेंगे तो आपका वो पेमेंट वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये फोन पे ऐप से रिडीम कोड कैसे बनाए उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये फोन पे ऐप मैंने लॉगिन कर लिया है, उसके बाद फ्रेंड्स थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेजेस है, यानी ये पे बिल्स में आएगा। परचेजेस में देखिए क्या है, ब्रांड वाउचर से, गूगल प्ले है, सब्सक्रिप्शन है एंड ऐप स्टोर है। तो आपका फ़ोन अगर एंड्रॉयड का है तो वो गूगल प्ले स्टोर में रिडीम कोड बनाएंगे। ये गूगल प्ले पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गूगल प्ले रिचार्ज कोड परचेजेस आर नॉन रिफंडेबल। यानी फ्रेंड्स, अगर आपने यहाँ पे ये रिडीम कोड बनाया तो वो नॉन रिफंडेबल है। यानी एक बार बन गया तो बन गया, फिर आपको उसको यूज ही करना होगा। यहाँ पे सो मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे वो गाइडलाइंस आपको बताई जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सो लेस कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एंटर अमाउंट है, यानी देख आप देख सकते हैं, मिनिमम ₹10 एंड मैक्सिमम 5000। तो जैसे कि मैं सिंपल ₹10 का एक रिडीम कोड बना के बताता हूँ, मैंने 10 डाल दिया, फिर राइट के ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये टोटल पेबल ये वाले अकाउंट से वो पे होगा ₹10। तो ये वाला अकाउंट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद नहीं तो फिर फ्रेंड्स, आपका पेटीएम फ़ोन पे वॉलेट रहेगा तो फ़ोन पे वॉलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी जितना भी ये लिंक है फ़ोन पे से, जो भी अकाउंट, यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद करेंगे पे 10 करेंगे। पे 10 के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 4-डिजिट UPI पिन डालेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं डालता हूँ UPI पिन। तो फ्रेंड्स, मैंने 4-डिजिट UPI पिन एंटर कर दिया, उसके बाद करता हूँ राइट के ऊपर क्लिक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, रेट फोन पे ये करूँगा रिमाइंड लेटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये गूगल प्ले परचेज ₹10 इज सक्सेसफुल। ये देखिए फ्रेंड्स, एक रिचार्ज कोड यहाँ पे यानी रिडीम कोड यहाँ पे जनरेट हो गया है। ये वाला जो कोड है, यहाँ से फ्रेंड्स इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, कॉपी कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, योर कोड इज कॉपी। यहाँ पे कॉपी करेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स नीचे आ जाएगा, योर कोड इज कॉपी टू द क्लिपबोर्ड। फिर जहाँ पे भी आपको वो रिडीम कराना है, यहाँ पे करेंगे डन के ऊपर क्लिक। फिर फ्रेंड्स वापस चले जाएंगे, प्ले स्टोर में चले जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे कर देंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे जैसे ही रिडीम करेंगे वहाँ पे वो पेमेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे आप वो फोन पे से ये रिडीम कोड ऐसे बना सकते हैं।